हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको पढ़ाई के लिए और ज़्यादा चार्ज्ड कर देगा। तो आइए टॉपिक का नाम लिखते हैं, कोलाइडी कणों पे आवेश, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस टॉपिक के बारे में चार पाँच छः लाइन है। पहले मैं उन्हें बोलता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने पहले आप सुनिए समझिए और हमेशा की तरह बोल रहे तो मैं लिख ही दूंगा, अंत में आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट गौर करने वाला कि कोलाइडी जो बिलियन होते हैं ना, वह विद्युत उदासीन होता है। मतलब यह हुआ कि कोलाइडी बिलियन पर कोई आवेश नहीं होता। पॉइंट नंबर दो, कोलाइडी जो कण होते हैं ना, कोलाइडी के कण जिसको प्रक्षिप्त प्रवस्था के कण कह दीजिए आप, कोलाइडी के कण पर आवेश होता है। पॉइंट नंबर तीन, सभी कोलाइडी कणों पर समान प्रकृति का आवेश होता है। कहने का मतलब कि जितने भी कोलाइडी कण हैं, या तो उन सभी कोलाइडी कणों पर धन आवेश है अथवा सभी कणों पर ऋण आवेश है। पॉइंट नंबर चार, जो प्रक्षेपण माध्यम है वह भी आवेशित होता है, और जो कोलाइडी कण पर आवेश होता है ठीक उसके विपरीत आवेशित होता है। और मजेदार बात यह है कि कोलाइडी जो कण पे आवेश होते हैं उतनी ही मात्रा में परिक्षेपण माध्यम पर आवेश होता है और विपरीत आवेश होता है। यही वजह है कि कोलाइडी बिलियन क्या हो गया, उदासीन हो गया। मतलब समझिए ना कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसमें परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम आवेशित है, प्रक्षिप्त प्रवस्था भी आवेशित है, और दोनों विपरीत आवेश से आवेशित है और बराबर मात्रा में आवेश है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह से क्या हो जाता है, तो कोलाइडी बिलियन विद्युत उदासीन होता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नोटवर्थी पॉइंट है, वो ये है कि कोलाइडी बिलियन अस्थाई क्यों होता है। तो कोलाइडी के जो कण होते हैं ना, उस पर समान प्रकृति के आवेश होने के कारण वे लगातार एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी विकर्षण के कारण वो आपस में जुड़ते नहीं, पिंडी पे जाके बैठते नहीं, सेटल डाउन नहीं होते, मतलब उनका उक्षेपण नहीं होता। मतलब सीधा है कि कोलाइडी कण अस्थाई रहता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम मैं करने वाला हूँ हमेशा की तरह, पहले इन पॉइंट्स को मैं लिखूँगा और फिर उसके बाद इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पे चर्चा करेंगे कि आखिर कोलाइडी कण पर आवेश आया कहाँ से, आवेश की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो आइए लिखते हैं, बारी बारी से सब पॉइंट को लिखेंगे। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है हम लोग का कि कोलाइडी बिलियन क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। कोलाइडी बिलियन उदासीन होते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको क्लास में होने का एहसास कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मानो ऐसे जैसे आप क्लास में हो। पॉइंट नंबर दो, कोलाइडी बिलियन तो उदासीन होते हैं लेकिन कोलाइडी कणों पे आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। मतलब यह हुआ कि कोलाइडी कण क्या होते हैं, तो आवेशित होते हैं। पॉइंट नंबर तीन, सभी कोलाइडी कण पर समान प्रकृति का आवेश होता है। सभी कोलाइडी समान प्रकृति का आवेश होता है। कहने का मतलब कि
कि सभी पर या तो धन आवेश होता है या ऋण आवेश होता है, अर्थात बिल्कुल विस्तार से सभी कणों पर या तो धन आवेश या तो धन आवेश होता है या ऋण आवेश समझ गया स्टूडेंट्स ऋण आवेश। अब आइए पॉइंट नंबर चार। ये तो कोलाइडिक कण हो गया माने परिक्षिप्त प्रवस्था हो गया, परिक्षेपण माध्यम पर भी तो आवेश होता है तभी तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, परिक्षेपण माध्यम भी आवेशित होता है, परिक्षेपण माध्यम भी आवेशित होता है। अब सवाल है कि कौन से आवेश हैं? तो जो आवेश कोलाइडी कण पर है ठीक उसके विपरीत आवेश है, मतलब आप यूं समझ जाइए कि अगर कोलाइडी कण पे धन आवेश है तो कोलाइडी बिलियन जो परिक्षेपण माध्यम है उस पर कौन से ऋण आवेश, अगर कोलाइडी कण ही ऋण आवेशित है तो परिक्षेपण माध्यम धन आवेशित होगा। कोलाइडी कणों का लिख देते हैं एक लाइन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत आवेश परिक्षेपण माध्यम पर होता है, परिक्षेपण विपरीत आवेश परिक्षेपण माध्यम पर होता है। एक बात यहां लिखना और छूट गया स्टूडेंट्स, माध्यम पर होता है। मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, विपरीत और बराबर मतलब जितना मैग्नीट्यूड जितनी मात्रा में परिक्षेपण माध्यम पे आवेश है उतनी ही मात्रा में कोलाइडी कण पे है। हाँ केवल नेचर अलग है, एक जगह धन आवेश है तो एक जगह क्या है ऋण आवेश है, तो विपरीत और बराबर आप नोट कर लेंगे ठीक है। अब आइए पांचवा पॉइंट। अब तो समझ गए कि परिक्षेपण माध्यम परिक्षित प्रवस्था पे दोनों पे विपरीत आवेश हैं इसीलिए वो क्या कर दिया उदासीन हो गया, लेकिन यहीं पर एक मजेदार दो नंबर के क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन होगा कि कोलाइडी विलयन अस्थाई क्यों होते हैं, तो कोलाइडी के कणों पे समान प्रकृति का आवेश होने के कारण वे लगातार एक दूसरे को क्या करते हैं लात मारते रहते हैं, लात मारना में समझते ना, एक दूसरे को बिलगाते हैं हटाते हैं विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, और जब नफरत करेंगे एक दूसरे को हटाएंगे तो एक जगह बैठेंगे नहीं बैठेंगे ना, जब एक जगह नहीं बैठेंगे तो उसी को कोलाइडी विलयन का स्थायित्व कहते हैं कि एकदम लगातार घूमते रहता है। तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में पांच नंबर पॉइंट यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये पांच नंबर यहां से हटाइए। कोलाइडी कणों पर समान प्रकृति के आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को लगातार क्या करते हैं तो विकर्षित करते हैं, रिफेल करते रहते हैं, विकर्षित करते हैं। और इस विकर्षण से क्या होता है जिसके कारण ये पिंडी पे बैठते नहीं, जिसके कारण ये
थक्का नहीं बनाते, थक्का नहीं बनाते, बनाते हैं और यही सब। थक्का नहीं बनाएंगे तो पेंदी बैठेंगे नहीं, और पेंदी पर, पात्र के पेंदी पर नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते हैं। अतः कोलाइडी विलयन क्या होता है? अस्थाई होता है। इसी कारण कोलाइडी विलयन क्या होता है? अस्थाई, स्टेबल होता है। अस्थाई मतलब स्टेबल हो गया, मतलब टूटता नहीं है, बिखरता नहीं, स्टेबल होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स सबसे मेन पॉइंट पे। तो अब आया कि आखिर कोलाइडी कणों पे आवेश आया कहाँ से? अगर उस पे आवेश है तो आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो उसकी कहानी हम लोग सुनेंगे। लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आवेश की उत्पत्ति। आइए स्टूडेंट्स अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोलाइडी कणों पे आवेश आया कहाँ से। तो मैंने अभी आपको बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोलाइडी कणों पे आवेश के कई कारण हो सकते हैं। कई कारण में से जो सबसे प्रमुख कारण है, मैं उसकी चर्चा आपको यहां करने वाला हूं। उस चर्चा लिखने से पहले मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं कि आवेश आया कैसे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोलाइडी कण के चारों ओर अगर धन आवेश अधिशोषित हो गए तो धनावेशित कोलाइड कहलाता है, अगर ऋण आवेशित अधिशोषित हो गए तो ऋणावेशित कोलाइडल सॉल कहलाता है। आप यहां देखिए एग्जाम्पल, पहले इसको इस उदाहरण से समझते हैं हम लोग और फिर उसके बाद बात करेंगे, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। ये है AgNO3। AgNO3 की अभिक्रिया आपने Ki पोटेशियम आयोडाइड से कराया, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया किससे? पोटेशियम नाइट्रेट से। ये बनाया, सिंपल सा आप समझ रहे होंगे कि ये टूट करके आपको देगा Ag+NO3-, और ये टूटेगा K+I-। तो आप समझ रहे हैं कि ये प्लस वाला माइनस के साथ बंधन बनाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ। तो ये बना लिया क्या जी, बोलिए, AgI सिल्वर आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। स्टूडेंट्स ये हो गया कोलाइडी कण, ये कोलाइडी कण होता है। अब ये देखिए ये क्या रहता है, एक्सेस मात्रा में, बिलियन में लिया जाता है, ये होता है एक्सेस। अगर ये एक्सेस मात्रा में है तो हुआ क्या कि यहां पर अभी भी पोटेशियम आयोडाइड अभी विलयन में बच जाता है। तो देखिए क्या होता है, AgI में से आयोडीन चले आते हैं, आयोडीन माइनस। ये कहां से आए हैं आयोडीन माइनस, तो फ्रॉम Ki से आ गया है। और इस तरह से AgI के चारों ओर बना लेता है कौन, तो I माइनस घेर जाता है। अब ये नेगेटिव सॉल्व हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव सॉल्व। एक दूसरा एग्जांपल, पहले इसको अगर इस तरह से दिखाएं, इस तरह से दिखाया जा सकता है स्टूडेंट। देखिए ये AgI है, आपको दिख रहा होगा इसके चारों तरफ ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वास्तव में सब में माइनस का चिन्ह है। माइनस के चिन्ह कहने का मतलब हो गया कि सब ये I माइनस है। देखिए ये हो गया आपको सिल्वर आयोडाइड हो गया का कोलाइडी विलयन, और वो कैसा है तो नेगेटिव सॉल्व हो गया ये, क्योंकि ऋणात्मक आवेश घिर गया चारों तरफ। इसको कहते हैं अधिशोषित, अभी लैंग्वेज में लिखेंगे कि AgI पर ऋण आवेश अधिशोषित हो गया और इसीलिए बन गया कौन चीज, तो नेगेटिव हो गया, ये ऋणात्मक सॉल का निर्माण कर गया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, इसी AgNO3 की अभिक्रिया आप दोबारा कराते हैं,
थोड़ा दूसरे तरीके से। ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, AgNO3 प्लस KI। स्टूडेंट्स इस बार ये एक्सेस मात्रा में है, मतलब अधिक मात्रा में कौन है ये, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा AgI और प्लस KNO3। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अधिक मात्रा में ये है तो ये आयन Ag जो आयन है Ag प्लस ये बच जाता है। तो आप जब दिखाते हैं इसको इस तरह से AgI और प्लस में आ गया कहाँ से Ag प्लस आयन, कहाँ से आया है Ag प्लस, तो फ्रॉम AgNO3 से आया। तो क्या बनाया इस तरह से देखिए AgI और Ag प्लस, ये तो हो गया पॉजिटिव सॉल्व। तो इस तरह से देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यही AgNO3 KI जब एक्सेस मात्रा में होता है तो नेगेटिव सॉल्व बनाता है, और यही AgNO3 की जब AgNO3 एक्सेस मात्रा में होता है तो कैसा सॉल्व बना देता है, पॉजिटिव सॉल्व। एक दूसरा एग्जांपल भी और भी देखिए, तीसरा एग्जांपल ये है, लैंग्वेज में लिखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा, पहले उदाहरण से ही क्लियर करिए इसको। FeCl3 है और ये H2O हॉट है, बिल्कुल गर्म कर दिया आपने, और जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है Fe2O3.XH2O, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये लग जाता है इसके चारों तरफ Fe पर 3+, यहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को Fe पर 3+ हो गया, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव सॉल्व, पॉजिटिव सॉल्व। यही FeCl3 चौथा उदाहरण देखिए, जब NaOH से अभिक्रिया करता है तो बनाता है Fe2O3XH2O और यहां पर आ जाता है OH-, तो कैसा सॉल्व हो गया, नेगेटिव सॉल्व। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो आवेश हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, कोलाइडी सॉल के कण पे अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगर मुझे इसको दिखाना हो इसी तरह से मैं दिखा सकता हूँ, AgI के चारों तरफ क्या चिपका हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये AgI है और ये चारों तरफ चिपके हुए हैं पॉजिटिव सॉल। तो जो पॉजिटिव अगर ये अधिशोषित हो गया, यहाँ पर ये प्लस क्या चिन्ह दिखा रहा है, तो Ag प्लस को दिखा रहा है। तो पॉजिटिव अगर आवेश अधिशोषित हो गया तो उसको पॉजिटिव सॉल्व बोलेंगे, नेगेटिव आवेश अधिशोषित हो गया तो उसको नेगेटिव सॉल्व बोलेंगे। तो आप पहले इसको नोट करिए और फिर इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ एक बार फिर से समझा कर। आइए स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल हमने दिया उसको पहले लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर से समझाते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्लियर हो ही जाएगा। देखिए आयनिक कोलाइड, कोलाइडी आयनिक कोलाइडी कण निर्माण के समय, जब वो बनता है ना उसी समय ऐसा होता है, निर्माण के समय अपने लैटिस से, लैटिस से कॉमन आयन, अब इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं आपको, कॉमन आयन को अपने सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। अब जो एग्जांपल अभी दिखाया स्टूडेंट्स उसे इसको जोड़ करके देखना है, अधिशोषित कर लेते हैं। यदि पॉजिटिव आयन अधिशोषित करते हैं
पॉजिटिव कोलाइडिंग विलयन बनता है तो धनात्मक कोलाइडी विलयन बनता है और यदि नेगेटिव आयन को अधि आदम समझ रहे हैं इसको अधिशोषित करते हैं तो ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बनता है। जरा समझने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं एग्जांपल से स्टूडेंट्स कि ये कॉमन आयन को अधिशोषित करना इसका क्या मतलब होता है। तो आप देखिए एजीआई कोलाइडी कण बना और आपने कहा कि ये है एक्सेस मात्रा में, ठीक है। तो एक्सेस मात्रा में स्टूडेंट्स इसमें तो के प्लस भी है और आई माइनस भी है, तो के प्लस को भी तो ये खींच सकता है, अधिशोषित कर सकता है। लेकिन नियम कहता है कि नहीं, ये चौक ले लें और कॉमन आयन को अधिशोषित करेगा। तो कॉमन आयन का मतलब हुआ कि आपके पास यहां पर के है क्या? नहीं है ना, यहां पर तो आई है और इसीलिए किसको अधिशोषित करेगा ये? तो आई माइनस को अधिशोषित करेगा। तो जब आई माइनस को अधिशोषित ये कर लिया तो आपने इसको दिखाया इस तरह से ए जी आई और आई माइनस और इस तरह से हो गया ये नेगेटिव सॉल्व। अब कुछ जाके समझ में आया? अच्छा, अभी हमने कहा कि पॉजिटिव भी अधिशोषित कर लेता है तो देखिए उसको भी दिखा देता हूं। ये एजीआई बना और आपने कहा दूसरे केस में कि के आई को अधिक मात्रा में नहीं लिया आपने, आपने लिया वहां पर क्या चीज, तो AgNO3 एक्सेस मात्रा में लिया। तो जब AgNO3 अपघटित हुआ तो इस स्थिति में ये देखिए Ag प्लस देगा, ये तो एक्सेस है ना, तो एक्सेस है। तो यहां से Ag प्लस और NO3 माइनस, बताइए कौन सा कॉमन है, Ag प्लस है कि क्या है? तो ये Ag प्लस और ये माइनस, जाहिर से Ag प्लस को खींच लेगा और इस तरह से ये बन गया AgI और अधिशोषित हो गया यहां पर क्या चीज, Ag प्लस, और इस तरह से बन गया ये पॉजिटिव सॉल्व। लेकिन इसे कई गुना बेहतरीन बात अभी हमें समझना है, जीटा पोटेंशियल क्या है, जीटा पोटेंशियल क्या है, कैसे इसमें डबल लेयर हो जाते हैं, कौन से फिक्स लेयर होते हैं, कौन से मूवेबल लेयर होते हैं। तो मैं आपको इसको पहले इस एक एग्जांपल से पहले इसको यहां दिखाना चाहूंगा। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि जब आई माइनस अधिशोषित हुआ तो ये K प्लस कहाँ आ गया? हाँ स्टूडेंट्स, K प्लस उसी बिलियन में रह गया। आप इसको एक बार फिर से ऐसे समझिए, ये हो गया आपका AgI। इस AgI के चारों ओर ये माइनस आवेश जो होते हैं, ये माइनस आवेश अधिशोषित हो गया। कौन आई माइनस है? ये सब आई माइनस है, ये है आई माइनस बस, ठीक है। अब ये के प्लस कहाँ गया? तो उसी बिलियन में, तो के प्लस है ना, अभी ये तो बिलियन में ऐसा बन रहा है ना। तो के प्लस क्या होता है कि के प्लस इस बिलियन में रहता है और इसके चारों तरफ अधिशोषित हो जाता है, एक और यहाँ लेयर बन जाता है और इसके चारों तरफ, ये थोड़ा नीचे छोटा हो गया और बड़ा होना चाहिए था, अगर ये पात्र और बड़ा रहता तो आप थोड़ा सा इसको और फैलाकर देख लेते। तो ये देखिए, और यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जितना माइनस रहेगा ये ठीक यहां पर उतनी ही प्लस रहेगा। इस ये जो होता है ना डायरेक्ट जुड़ा होता है माइनस, यहां पर यहां माइनस जुड़ा है, प्लस भी जुड़ा हो सकता है इस केस में प्लस। तो ये जो दो लेयर बना, देखिए एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो पहला जो लेयर बनता है ना ये होता है फिक्स्ड लेयर होता है, ये होता है फिक्स लेयर,
एकदम स्थिर परत होता है, दृढ़ता से जुड़ा रहता है। और ये जो दूसरा परत होता है जो बिलियन से आया हुआ आयन से बना है, ये होता है मूवेबल लेयर होता है, ये फिक्स नहीं होता, इसको डिफ्यूज्ड लेयर कहते हैं। ये डिफ्यूज्ड लेयर होता है, याद रखिएगा कि ये मूव करता है, मूवेबल लेयर है। और इस तरह से इससे धनावेशित लेयर और ऋणावेशित लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है जिसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं। और ये जो जीटा पोटेंशियल हो गया, आप इसको मैं लिख देता हूं, पहले इसको नोट करिए, उसके बाद आइए स्टूडेंट समझते हैं अब जीटा पोटेंशियल क्या है, जीटा विभव क्या है। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, ये AGI एक कोलाइडी कण है, इस कोलाइडी कण पे I माइनस अधिशोषित हो गया तो ये नेगेटिव कोलाइड हो गया। जो कोलाइडी विलयन बना कैसा बना, नेगेटिव बना। लेकिन जब AGI में से I जब अधिशोषित हो गया तो K कहाँ गया, तो K तो उसी विलयन में रह गया था ना, K उसी विलयन में रह गया। अगर आप यहाँ पर ले लें ये AGI के चारों तरफ अगर नेगेटिव आयन आ गया तो इसी में तो K प्लस है, तो K प्लस क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये नेगेटिव आयन उस आवेश को विलयन से खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आकर अधिशोषित हो गया, ये इस पर अधिशोषित है याद रखिएगा, लेकिन ये जो आवेश हैं पॉजिटिव आयन, ये क्या होगा, इस नेगेटिव आयन के चारों ओर जाकर के ये विसरित हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, कोलाइडी का कण है, चारों तरफ ये नेगेटिव आयन अधिशोषित हुआ, ध्यान रखिएगा अधिशोषित हुआ, और ये फिक्स्ड हो जाता है, दृढ़ता से बंध जाता है, क्योंकि अधिशोषण हुआ है ना, तो अधिशोषण तो दृढ़ता से बन जाता है। लेकिन ये प्लस कहाँ से आया, तो उस बिलियन में जो प्लस था उस प्लस को खींच लिया ये नेगेटिव आवेश, आकर्षित कर लिया, और इस तरह से एक काल्पनिक जो होता है दीवार खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर काल्पनिक जो होते हैं ना, ये बंटवारा हो जाता है और दो लेयर बन जाते हैं। देखिए एक नेगेटिव वाला लेयर हो गया और एक पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही होगा। अगर यहाँ पर सोचिए धनावेशित अधिशोषित हुआ रहता तो उस बिलियन में ऋण आवेश तो होता ना, तो ऋण आवेश यहाँ पर हो जाता धन आवेश, यहाँ हो जाता ऋण आवेश, जितना धन आवेश अधिशोषित रहता उतना ही ऋण आवेश, तब तो ओवरऑल होगा ना, न्यूट्रलाइज होगा। तो अब देखिए यहां हमने लिख दिया कोलाइडी कणों के चारों ओर दो विपरीत आवेश के परत व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसे हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर, विद्युतीय दोहरी परत के नाम से जाना जाता है। ये जो परत बन गया हेल्महोल्ट्ज, ये हम लोग डबल लेयर कहते हैं। ये कैसे बना हो तो आपको समझ लेना होगा। अब उसके बाद ध्यान रखना है जो पहला होता है, ये जो अधिशोषित होता है लेयर, वो होता है फिक्स्ड, स्थिर होता है, और जो दूसरा जो बिलियन से आया हुआ लेयर होता है वो क्या होता है, मूवेबल होता है, मोबाइल लेयर होता है, जिसको डिफ्यूज लेयर कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये तो प्लस और माइनस दो लेयर उत्पन्न हो गया, तो इस दो लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं ना, उसी का नाम है जीटा पोटेंशियल। तो आप लिख सकते हैं फिक्स्ड लेयर मतलब स्थिर परत एवं डिफ्यूज्ड लेयर के बीच के विभवांतर को जीटा विभव, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं जीटा पोटेंशियल तो बहुत ही आसान है, केवल आपको समझना है ये दो परत बना कैसे, क्योंकि जैसे आप परत के बारे में फिर से मैं आपको एक बार कह रहा हूं, कोलाइडी कण आवेश को अधिशोषित किया, प्लस को अधिशोषित किया तो कोलाइडी विलयन क्या हो गया, वो धनावेशित हुआ, नेगेटिव को अधिशोषित किया तो नेगेटिव ऋणात्मक कोलाइडी विलयन बना, और जो आवेश अधिशोषित करेगा उसके विपरीत आवेश विलयन में रहेगा, वो आकर के उस आवेश से वो क्या अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दो लेयर बना जिसको
अध्ययन किया था किसने, तो हेल्महोल्ट्ज़ ने, इसीलिए उसी के नाम पर इसको रख दिया गया, हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप आवेश कैसे उत्पन्न होता है इसको समझ रहे हैं। फिर हमारी और आपकी भेंट अगली वीडियो में होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।